अब वीजा लगवाने के लिए एजेंट्स वगैरह को हायर करते हैं, 20-25-30 लाख आपका लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 35,000 सिर्फ वही लगी थी, उसके अलावा ₹1 भी नहीं लगा वीजा पर। 8 पेजेस का जिसमें मैंने सब कुछ उनको बताया था, वो मेन चीज है वीजा लगने की। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो है बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें हम आपको अपना सारा नॉलेज शेयर करेंगे, अपनी सारी जर्नी शेयर करेंगे, अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी। कि हम कनाडा कैसे गए, क्यों गए, कितने में गए और वापस कैसे आए, वापस आए। हाँ, और क्या क्या मुश्किलात हमें फेस करना पड़ी। हाँ, ये सब कुछ आपको आज वन बाय वन आपके इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, वन बाय वन। और समीना भी आपके साथ शेयर करेंगी सब कुछ, और मैं भी, दोनों मिलके। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीना बताएं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारा वीजा कैसे लगा, बिकॉज़ वीजा इज द फर्स्ट पॉइंट, सबसे मतलब के हाईलाइट चीज, और सबसे ज्यादा आप लोगों के माइंड में होगा कैसे लगा वीजा। हमारा इस तरह लगा, काफी पुरानी बात है ये, तकरीबन 1 साल हो गया होगा इस चीज को, अब से 1 साल के। समीना ने ना कनाडा के लिए ना अप्लाई किया, थोड़ा सा रिसर्च की, और इसका दिल कर रहा था अप्लाई करने के लिए मेरे बात की बिलाल से। तब मतलब कि इतनी कुछ नहीं, मतलब रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन समीना पाकिस्तान नहीं आई हुई थी, इंगेजमेंट निकाह भी कुछ नहीं हुआ था। तो उसके उसमें ऐसा हुआ कि समीना ने अप्लाई करने के लिए सारी रिसर्च कर ली, इसने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया, सबमिट करना था। हाँ जी। तो उसके लिए ऐसा था कि, और उसकी वेबसाइट है VFS, इनकी VFS कनाडा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मेन आपके लिए ये पॉइंट है कि इनकी बहुत ईजी है, मतलब ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन है, आपने कोई इंटरव्यू नहीं देना, बस आप लीगल होने चाहिए, मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और मेन चीज ऐसा थी कि मैंने फिर बिलाल से बात की, बिलाल ने कहा कि यू शुड गो फॉर इट, कि आप जरूर अप्लाई करो, बिल्कुल अप्लाई करें। तो क्योंकि मैं जर्मनी में थी, फिर उसके बाद वहाँ का रेजिडेंट परमिट भी है मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट सो स्मूथ। मैं 100% श्योर था कि समीना का वीजा लगेगा, लेकिन अप्लाई नहीं कर रही थी ना, अप्लाई नहीं कर रही थी, कि कहते नहीं रहने दो ऐसे। आई थिंक इसका ना क्रेडिट कार्ड का भी इशू था, इसके पास दूसरे यानी कि जर्मनी का कार्ड था, जो उस वेबसाइट पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए क्योंकि फीस पे करने के लिए। तो फिर बिलाल ने मेरी बड़ी हेल्प, इतनी छोटी वजह से ना ये अप्लाई नहीं कर रही थी, मतलब अपना टाइम अपना इतना ना सारा वेस्ट कर रही थी, इसने मेरे से वैसे शेयर कर दिया। तो मैंने कहा क्यों नहीं अप्लाई कर, मुझे बताई ना, मैंने कहा ऐसी क्या वजह है, सबमिट कर रही हूँ तो फीस नहीं जा रही उसकी। तो मैंने कहा इतनी सी बात है, मेरे पास 2-3 कार्ड थे क्रेडिट वीजा भी मास्टर। फिर ऐसा हुआ सबमिट हो गई एप्लीकेशन समीना की। और फिर उसके बाद आपको बताना हम ये चाहते हैं कि क्या क्या चीजें उसके साथ अटैच की थी। उसके साथ मेरा जो था एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी का, वहाँ की जॉब का फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऐड किया था, जॉब थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह है बल्कि। तो खैर वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे मैंने अटैच किया था अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो की जर्मनी की कंपनी के साथ है। उसके बाद मैंने एक कवर लेटर लिखा था 8 पेजेस का, जिसमें मैंने सब कुछ उनको बताया था कि वो मेन चीज है वीजा लगने की। मेरी बात अभी आपको बाद में बताएंगे, पहले समीना की बात है, क्योंकि मेन रीजन ये है। वो 8 पेजेस का कवर लेटर ऐसा था कि जिससे आप इम्प्रेस कर सकते थे वीजा ऑफिसर को। मैंने प्रॉपर रिसर्च की, लिखा 8 पेजेस का जो कवर लेटर था, उसमें हर चीज उन्हें बताई अपने बारे में कि मेरे पास ये है मैं ट्रैवल इस तरह करूंगी, वहाँ पे ये सारा अपना पर्पस उनको बता दिया मैंने उस कवर लेटर में। प्लस उसके बाद मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड की जर्मनी की, जो है वहाँ का सब कुछ ऐड किया, जो जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ है। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके मैंने अप्लाई कर दिया। ये सब कुछ पहले से था, फिर उसके बाद अप्लाई किया, सबमिट करे, फिर उसके बाद भूल गए हम 2-3 माह, कुछ पता नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं फिर पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान आ गई समीना, मंगनी भी हो गई। निकाह की डेट फिक्स थी, लेकिन ईमेल आ गया वीजा का कि आपका अप्रूव हो गया, पासपोर्ट जमा करवाए। अब ये पाकिस्तान थी तो इसको अर्जेंट जाना पड़ा जर्मनी, तो इसलिए हमने निकाह कर लिया जल्दी। मैं बिलाल से कहा कि मुझे तो जाना है, तो बिलाल ने कहा जल्दी कर लो। फिर उसके बाद ऐसा था कि यानी कि हफ्ता इतवार जो था ना वीकेंड, वो मेरी बर्थडे वाले दिन आ रहा था, यानी कि फ्राइडे को था मेरे ख्याल से, फ्राइडे को किया ना हमने, क्योंकि गुजरात वाले में छुट्टी होती है फ्राइडे को। तो ना वो मेरी बर्थडे वाले दिन था, तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो जो अल्लाह को मंजूर था, बर्थडे वाले दिन निकाह हो गया मेरा समीना के साथ। अब बारी आती है बिलाल साइड के वीज़े की कि बिलाल का वीज़ा कैसे, क्योंकि बिलाल तो पाकिस्तान में है और आप लोग सब लोग इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं कि पाकिस्तान से वीज़ा कैसे लग गया बिलाल का। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ कि समीना का वीज़ा लग गया, ठीक है, तो हमने सोचा कि अब शादी होगी हमारी जो भी है, तो हम हनीमून कनाडा जाए ना, मतलब कि पहले भी सोचा था कि ऐसे होगा कि बाद में देखेंगे लगेगा कि नहीं, हाँ। लेकिन वो एक तो स्टेप कंप्लीट हो गया समीना का, लग गया, मेरी बारी थी। तो ऐसा हुआ कि मैंने अप्लाई करना था, कोई पता नहीं होना क्या है, समीना को तो पता है ना, उसने कवर लेटर सारा रेडी किया जो भी है, वो पाकिस्तान से अप्लाई करना था ऑनलाइन ही, वो भी ऑनलाइन है, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। उसके लिए यह कि आपके साथ आपके पास प्रूफ होना चाहिए आप वापस आएंगे जो भी है। मेरे पास सबसे मेन रीजन तो ये थी ना, जो कवर लेटर में हमने लिखा कि हमारी हुई है शादी, निकाह हो गया है ना, हमने साथ लगाया निकाह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, और उनको कहा कि हमारी शादी हो गई है, और हम अक्टूबर यानी कि नवंबर में जब हम गए हैं, डेट लिखी हमने जाना हनीमून पर, ठीक है, और हमने मेंशन किया कि मेरी वाइफ का वीजा ऑलरेडी लगा हुआ है, उसका नंबर भी डाल दिया जो वीजे का था। तो बस, तो मतलब कि मैं अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता हूँ, वो अकेली तो जाएगी नहीं, हमारी शादी हुई है, तो नहीं उसमें मैंने जो मेरा वीजा स्टैम्प था वो मैंने वो भी ऐड किया बिलाल के डॉक्यूमेंट्स में, सारे यानी कि कॉपियां फोटो कॉपियां लगा दी जो प्रिंट वगैरह। इवन मैंने अपनी जर्मनी की भी जितनी मेरी चीजें थी, स्टेटमेंट्स वगैरह, वो भी मतलब सपोर्ट के लिए लगा दी। प्लस ये नहीं की सिर्फ मैंने, बिलाल की भी जो चीजें थी अल्हम्दुलिल्लाह, बिलाल की जो प्रॉपर्टीज है, बिलाल की बैंक स्टेटमेंट थी, सब कुछ लगा दिया, जो भी यानी के स्लिप्स होती है पेमेंट की आपकी, यानी के प्रूफ होना चाहिए कि आप अर्निंग कहाँ से कर रहे हो, क्योंकि वो जो होता है ना कि जैसे कोई मतलब काम काज कोई नहीं होता अपने मुल्क में, वो उनको वीजा नहीं ना देते, उनको पता है इन्होंने वापस नहीं आना। लेकिन मेन रीजन जैसे कि यही थी कि उन्हें पता था वाइफ का भी लगा हुआ है, और मतलब कि उनको पास पूरा एक उनको शोर था कि इसने वापस आना ही आना है। यूट्यूब पर मतलब कि यूट्यूब पर ये जो भी है ऐसे वैसे हमने मेंशन किया जो भी, उस हिसाब से यानी कि जर्मनी में वाइफ है इसने वहां रहकर क्या करना है, तो उस हिसाब से उन्होंने। लेकिन हम भूल गए, हमें था कि बिलाल को पता था कि अच्छा। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरा वीजा 6 माह हो गया नहीं आया, हाँ। 7 माह भी हो गया, हमने कहा चलो अभी अब भूल जाओ। तो तकरीबन किस दिन आया मेरा वीजा, शादी के बाद ही आया था, हाँ, जब हम मरी से वापस आए। बिल्कुल, हम मरी से वापस आए ना, नहीं मरी जाने से पहले, मरी जाने से पहले नहीं, हम नहीं, ईमेल आ गया था, हमने पासपोर्ट जमा करवाना था, सुबह हमारी मतलब के बुकिंग थी मरी में, पीसी बुर्बन में, और हम ना हमें मतलब के फोन आया कि आपका ना मतलब फोन नहीं, सच ईमेल आया, हमने जमा करवाना था, और ईमेल आया, मेरी धक-धक शुरू हो गई कि पता नहीं क्या हो गया। हमने वहाँ ना जमा करवाना था पासपोर्ट, हम भाग गए, सुबह हमने जाना था पीसी बुर्बन मरी, तो वो वहाँ गए, वहाँ टाइम खत्म हो गया, वो क्या 4 बजे के बाद हम एंटर नहीं होने देंगे, हाँ। तो फिर हम परेशान हो गए, कुछ नहीं, फिर बीसी से आए, फिर मतलब ये हो गया सारा कुछ, फिर हमने स्टैंप लाके आ गए, फटाफट टिकट बुक कराई। अब बारी आती है टिकट की, ओह माय गॉड, अब एक मसला यहाँ पर आ गया, ये हमने जाना ही जाना था, मतलब कि दिसंबर से पहले जाना ही था, उसकी कुछ रीजंस हैं, हाँ। तो वो मतलब थी कुछ पर्सनल रीजंस, तो इस वजह से हमने जाना ही था क्योंकि वो मजबूरी थी, क्योंकि हमने उनको मतलब यही मेंशन किया था ना कि हमने इस माह जाना है हनीमून पे, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है इमिग्रेशन पर, जाने देते हैं ये नहीं है, फिर वो क्वेश्चन आंसर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने ऐसा किया कि जाना ही था, ऊपर से बाद में बहुत से काम है, ऊपर से बर्फ मतलब के स्नो भी शुरू हो जाने थी, उससे पहले हमने जाना था, तो हमने टिकट सर्च करना शुरू की, फिर जब सर्च की टिकट, तो एक टिकट 4 लाख की, 4.5 लाख की एक बंदे की आ रही थी, क्योंकि दूर बड़ा ना, हाँ। 15-16 भी एमिरेट्स पे जाते थे, और आप सोच सकते हैं एमिरेट्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा। ऐसे है कि हमने देखा, बड़ा ऐसे किया, बड़े ऐसे चीजें देखी, कैसे होगा। फिर हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई लिमिटेशन की भी, कार्ड, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है ना, 5 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती है ऑनलाइन, जो भी है होती भी है, वो दूसरा होता है, वो कार्ड बनाना पड़ता है, उसके लिए टाइम नहीं था इतना, हाँ। उसके लिए तो फिर ऐसा हुआ, हमने फिर खुद जाके ऑफिस गए, वहाँ से उनको कैश के थ्रू हमने करवाई बुकिंग। कितने की टिकट थी? और टिकट थी तकरीबन 8 लाख के करीब, मतलब कि 7.5 मतलब 7 लाख कुछ था, 8 के करीब था, हाँ। टिकट जो हमने 2 टिकट रिटर्न टिकट थी, फिर उसके बाद हमने करवा ली। फिर उसके बाद बारी आई अकोमोडेशन की, वो इजी था, अकोमोडेशन इजी था। वो हमने समीना को एक्सपीरियंस था एयरबीएनबी का, तो उसको वेबसाइट का भी पता था। मैंने कहा था होटल हमने नहीं जाना, हमने एयरबीएनबी से एक अपार्टमेंट लेना है, आराम से रूम लेना है किसी के घर में या कुछ भी। होटल भी बड़ा मुश्किल होगा ना, आपने रहना भी या किचन भी नहीं होता होटल में, तो बाहर से आप खा भी नहीं सकते, लाल हराम का इशू है। तो खाना पीना हम लोगों ने फिर खुद ही मैंने बनाया था, या हम लोग खुद ही खाते थे क्योंकि उधर किचन भी था, सब कुछ था। तो अकोमोडेशन हमें, आपने इस वीडियो में ऊपर यहाँ लिंक आ रहा होगा, आपने देखी होगी हमारा रूम टूर, हाउस टूर कनाडा का, जरूर जाके देखें, सबने बहुत पसंद किया। तो वो कितने का था बिलाल? बहुत लोग पूछते थे। तकरीबन 650 यूरो का था, 2 लाख के अराउंड था वो, मतलब क्या था क्योंकि हमारी किस्मत थी कि हमने बहुत अच्छे से उसको, वो था भी मिसिसागा में जो कि मतलब टोरंटो के बिल्कुल पास ही है, समझ लो आप, मतलब के पास ही है एक दूसरे के, कोई इतना इशू नहीं है, बस से सब कुछ चलता। ट्रेन हमने करवा लिया, अगर हम वहाँ करवाते तो थोड़ा इशू था, इतना मतलब प्यारा खूबसूरत चीजें नहीं मिलती। हमने पे उसको किया पेपाल से, मतलब मेरा पेपाल था जर्मनी का समय पे। अब वहाँ पर ये इशू था कि पाकिस्तान का मतलब कि जो था पेपाल था ही नहीं पाकिस्तान में, और इसके अलावा वो नहीं हो रही थी ट्रांजेक्शन वहाँ पर, मेरा कार्ड वहाँ नहीं चल रहा था, फिर उधर मेरा चल गया। तो बस ऐसे ही मिलजुल के हमने सारा काम किया, कुछ बिलाल का चल गया, कुछ मेरा चल गया। फिर उसके बाद हमने करवाई बुकिंग, और फिर उसके बाद चले गए नहीं, फिर उसके बाद हमने फिर पैकिंग की। ओह यार बिल्कुल पैकिंग की, वो तो आपने इस वीडियो में सारी वीडियोस आपके साथ शेयर ना, मतलब कि हमने 1-2 हफ्ते के अंदर ही प्लान किया, टिकट का भी, अकोमोडेशन का भी, सब कुछ। अच्छा फिर हम लोग पहुंच गए कनाडा। कनाडा जाके हम लोगों को वो जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाले खर्चे होते हैं, प्रेस्टो कार्ड होता है वहाँ, तो वो हमने वो सारा किया। एक प्रेस्टो कार्ड बिलाल का था, एक प्रेस्टो कार्ड मेरा था, दोनों का हमने लिया, उनकी मशीन थी उसमें से निकाला। हाँ, लेकिन रेकमेंड नहीं हम करते, आप लोग अगर अफोर्ड, मतलब आप लोगों को पता हो तो आप ड्राइव कर सकते हो, तो आप रेंट का कार वाला सर्विस, रेंटल कार वहाँ से ले लें, क्योंकि ये बहुत बुरा था। उसका ऐसे है कि हमें, मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने कहा पता नहीं, अब दूसरा मुल्क है, मैं पहली बार गया हूँ, मैंने नहीं सोचा इस चीज का। अगर आप जाए, आप इस तरह अगर आप कर सकते हैं, आपको ड्राइविंग में कोई ऐसा इशू नहीं है, बाहर भी कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं किया। उसमें यह है कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कहीं भी जाते हैं तो यही करेंगे। आपने ऐसे करना, रेंटल कार से कार बुक करवानी है, आपने जब टाइम वगैरह लिख देना, जैसे ही आपने एयरपोर्ट से निकलना है, गाड़ी वहाँ पहुंची होगी, बंदा लेके खड़ा होगा, आपने उसके उससे की लेनी है, चलानी है, जो मर्जी पूरा जितनी आपकी ट्रिप है आप अपने पास रखें। लास्ट में आपने एयरपोर्ट आना है, अपना बैग शैग लेके, वहाँ कोई बंदा और खड़ा होगा, वहाँ उसको पकड़ा देना है, वो बंदा फिर उसके आगे होगी, उसने बुकिंग करवाई। तो लोकल ट्रांसपोर्ट पे हमारा टोटल खर्चा, मतलब ये भी 1.5 से 2 लाख में आ गया था, है ना, बहुत, क्योंकि हर बार कार्ड को रीलोड करो, क्योंकि हमने नियाग्रा फॉल्स जाना था, फिर हर जगह जाते थे हम अपने था वो। आप हमें मतलब आपको भी अगर आप करेंगे वो आपको 50,000 पाकिस्तान में पड़ जाएगा, कितना फर्क है देखिए आप, बहुत फर्क है। तो लेकिन उसमें ये पेट्रोल वगैरह भी डलवाना पड़ेगा ना, मतलब 1 लाख में आपका हो जाएगा, 2 की बजाय उसमें। और फिर आप लोगों ने हमसे पूछा था हेलीकॉप्टर का, कि आप लोग कोई बड़े हो गए हैं कुछ, तो वो बिलाल बताएंगे हेलीकॉप्टर का कितना। तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग मैंने वहाँ जाके करवाई थी, और viator.com एक वेबसाइट थी, वहाँ पर मेरा कार्ड चल गया था, और उसमें ये था कि शुक्र चल गया, वरना समीना को सरप्राइज कैसे देता। तो उसमें यह था कि वो तकरीबन थी $280 की ना, जो तकरीबन पाकिस्तानी 40,000 बनता है, यानी कि 45-46 ऐसे बनता है। उसमें टैक्सेस वगैरह भी डले, तकरीबन 50 के करीब हो गया वो, आप ये इस तरह अंदाजा लगा लें। और तो वो 7 मिनट का था, 7 मिनट का टूर, 7 मिनट में 50,000 उड़ गया। हवा में उड़ के आए हम लोग, हवा में उड़ा के आए। लेकिन अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, सारा टोरंटो देख लिया। हाँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए आप लोगों को, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया, अगर आप मतलब कर सकते हैं जरूर करें आप। तो बस जिंदगी में याद रहेगा ये टूर। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो फिर आपको ऐसी चीजें जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ये नहीं कि बस हस्बैंड पे ज्यादा। हाँ, यही अपने चादर के मुताबिक आप पाँव फैलाइए। हम अगर आप सोचें, इससे भी और भी चीजें थी जो हमने नहीं की वहाँ जाके, नहीं की हमारी, मतलब हम इतना नहीं कर सकते। तो बस इसके अलावा फिर अपना नियाग्रा फॉल्स गए हम, उधर गए, वो समीना पानी से डरती थी, नीचे नहीं गई वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ, वो रह गई थी हमारी, बस हमने ऊपर से देख लिया, ऊपर से देख लिया बस, ठीक है। वहाँ से इसको खौफ आ रहा था। हाँ। और काफी एक्सपीरियंस अच्छा था, मजा आया वहाँ पर भी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने खूब हमें वहाँ से मतलब 3 घंटे लगाए। हाँ। अगर अपनी गाड़ी होती है हम 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। और बार बार बसेस चेंज की, ट्रेन चेंज की, पता नहीं कहाँ 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 कहाँ। सुबह से निकले, शाम को वापस आए, फिर उसके बाद होम इन द किचन, उन्होंने हमारी दावत की 2 बार, एक बार घर में एक बार बाहर। वो भी बहुत ही अच्छा हमारा एक टाइम था, वो बेस्ट थे, बहुत अच्छे, मजा आया। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से होस्ट किया, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, माशाल्लाह। तो बस ये थी हमारी पूरी जर्नी और आपके साथ हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिल चुका होगा, और अगर आप भी करना चाहते हैं ये तो आप जरूर करें। और ऐसा है कि आपको, आपके साथ एक चीज शेयर करना भूल गया, मतलब ये होता है ना पाकिस्तान में आप वीजा लगवाने के लिए एजेंट्स वगैरह को हायर करते हैं, 20-25-30 लाख आपका लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन वीजा के लिए सिर्फ, मतलब वीजा लगवाने के लिए सिर्फ वीजा फीस थी तकरीबन 35,000। हाँ, जब मैंने कार्ड से पे की थी अपने। हाँ, सिर्फ वही लगी थी, उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं लगा वीजा पर, क्योंकि लीगल तरीके से था ना वो, फिर इलीगल यूज करते हैं अल्लाह, मतलब कि उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप उस रास्ते पर बिल्कुल लग जाए। हमने किसी एजेंट से कंसल्ट नहीं किया। और एक और पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, पाकिस्तानी न्यू पासपोर्ट पर कनाडा या अमेरिका या यूरोप का वीजा बिल्कुल नहीं लगता साल का, चाहे आप अरबपति भी क्यों ना हो, ये नहीं लगेगा आपका। हाँ। वो जस्ट, हाँ मैं मानता हूँ वो, ये जरूर, अगर ये नहीं कि खाली वो हस्बैंड वाइफ है, ये भी देखते हैं कि बंदा पैसे पूसे है इतनी है कि उसने अपने मुल्क में कुछ है उसका, लेकिन वो चाहे अरबों रुपया हुआ आपके पास, लेकिन वो ये देखते हैं कि इसका पहले छोटी छोटी कंट्रीज में वीजा लगा हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। लेकिन मेरे केस में ये था कि समीना का रेफरेंस था, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है ना, वो वाइफ है। हाँ। तो इस वजह से वो ना, उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, न्यू पासपोर्ट भी लगा देते हैं, यानी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जरूर बोलते हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये देखा होगा ना, मतलब कि होता है ऐसे ही है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी से, किसी एजेंट से भी आप जाके पूछ लें, वो आपको यही कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो वो मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह तवक्कल अप्लाई कर दिया। और बस बाकी सब कुछ उन्होंने देख लिया कि बंदा लीगल है, जो भी है, वाइफ भी है इसकी, वो भी है, उस हिसाब से उन्होंने, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है या जो हम सोच रहे हैं वो यही होगा इंशाल्लाह। हाँ। तो चले, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत अरसा हो गया आपको। हाँ, बिल्कुल बहुत अरसा हो गया आपको। 2 लाख कर दें जल्दी, 2 लाख कर दें जल्दी से। हाँ। और समीना बिलाल ऑप्शन इंस्टा को भी फॉलो कर लें, क्योंकि इतने टाइम से कहा ही नहीं, मैं सोच रही थी हमने कभी सब्सक्राइब करने का नहीं बोला, मैं नहीं कहता, तो जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और हमारे इंस्टा को फॉलो करें। और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कैसी लगी आपको ये वीडियो। हाँ, कैसी लगी, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे, जितना ही हमारी कैपेसिटी होगी हम रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ। तो बस अपनी दुआ में याद रखें, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह हाफिज।